उचित दर दुकान चयन हुए तो बैठक संपन्न, दुकान का हुआ चयन। ग्रामीण ने एडीओ पंचायत पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। बंद कमरे में हुआ उचित दर के दुकान का चयन, ग्रामीण के सामने नहीं आया प्रस्ताव। नमस्कार, मैं रामकृष्ण वर्मा, बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में उचित दर के दुकान का चयन बैठक हुआ है, जहां पर ग्रामीणों ने एडीओ पंचायत पर गंभीर आरोप धोखाधड़ी का लगाया है। बताया है कि बंद कमरे में इसका चयन हुआ है, जिसका ग्रामीणों के सामने किसी प्रकार के प्रस्ताव नहीं जारी किया गया है। जिले के पंडरी कृपाल विकासखंड अंतर्गत बकफरवा गांव में उचित दर के दुकान का चयन हुए तो गांव सभा के बैठक संपन्न हुई, जिसमें दुर्गा स्वयं सहायता समूह के चयन उचित दर दुकान हेतु किया गया। ये जानकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राजेश चौधरी ने दिया। बताते चले कि उक्त गांव के उचित दर दुकान का अनुबंध पूर्व में निरस्त हो चुका है तथा नई दुकान का चयन हेतु लगभग एक माह पूर्व आयोजित बैठक कोरम के अभाव में निरस्त हो गई थी। उचित दर दुकान के चयन हेतु गाँव में संचालित 3 स्वयं सहायता समूह के दावेदार पेश की थी, जिसमें दुर्गा स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया था, जिसे नाराज ग्रामीणों ने बैठक स्थल पर ही एडीओ पंचायत घनश्याम पांडो, ग्राम विकास अधिकारी राजेश चौधरी पर मनमानी व धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। जहां गौरतलब यह है कि कहने के लिए गांव सभा की खुली बैठक आयोजित की गई थी, परंतु एडीओ पंचायत ग्राम विकास अधिकारी एडीओ आईएसबी द्वारा बंद कमरे में बैठक की औपचारिकता पूरी कर ली गई और बाद में समूह के सदस्यों को बुलाकर अपना निर्णय बता दिया गया, जिसे नाराज ग्रामीणों ने दुकान के चयन आयोजित खुली बैठक को औचित्य पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा कि स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सरकार के मंशा पर पानी फेर रहे हैं तथा आम जनमानस अधिकारियों को डाका डाल रहे हैं। उक्त गांव के ही सलमान की माने तो अधिकारियों को दोषपूर्ण कार्यशैली के विरोध में जिलाधिकारी व उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अरे जब नहीं वो पढ़ा जो अधिकारी वो कह रहे नहीं पड़ेगा फिर जो नियम था जब हम लोग यही वहाँ पे बोले हैं, यही यहाँ पे बोले। इस प्रस्ताव को क्यों नहीं माने, इस प्रस्ताव को क्यों नहीं माने, क्या कारण है? कारण यही है, बिल्कुल हमारा सबका दिल वहाँ दूर है। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, कल वहाँ कोई मेरे पास हो गया, कल वहाँ हुआ पढ़ भी गया, कोई कहा वहाँ इससे पहले भी कोई बैठक इससे पहले भी कोई बैठक हुई थी इससे पहले भी कोई बैठक हुई थी हाँ बैठक हुई तो उसमें फिर नहीं माना गया, उसमें नहीं माना गया, नहीं माना गया। कितने की जनसंख्या है, कितने लोग हैं? हमारे वहाँ संख्या ज्यादा है, पूरा संख्या पूरा संख्या वही का है सर, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं वोट करेगा, वोट करेगा। क्या यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती है? मेरी बात नहीं सुनी जाती है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। सीता देवी, आप यहाँ क्यों आई हैं? कोटा के बारे में, कोटा मतलब किसको बनाना चाहते हैं? राशिद को चाहिए थे हम लोग, बकफरवा कोटा। बकफरवा किस ग्राम सभा की हैं आप? बकफरवा। बकफरवा सभी लोग यहाँ बकफरवा के हैं? सभी लोग बकफरवा के हैं। सिर्फ समूह के 3 समूह अप्लाई किए थे, एक समूह का चयन, समूह की चयन का मानक क्या है? हमारा जो सरकारी मानक था वही उसी के हिसाब से किया गया है। अब बार बार हम नहीं बता पाएंगे, एक बार वहाँ पाला देवी कहाँ आई है दादी? एक बुलाई नहीं सब, हाँ वगा है सब है आए है, इसलिए बुलाया गया है आपको यहाँ? अरे गल्ला ना मिला था हमें सबका, गल्ला बकथरवा मिले चाहे यहाँ के आई पाई गल्ला आने, गल्ला मने के यहाँ गल्ला आने आई पाई। क्या नाम है? आज यहाँ क्यों आए? गल्ला खातिर आने की मेरे बाबा बकथरवा गल्ला मिले। अच्छा बकथरवा बढ़ रहा है, गौरवपुर का लेकिन वहीं बढ़ रहा है, लेकिन हमें सफर लंबा पड़ जाता, नान नान बच्चे
आप बकटोरवा में चाहती हैं? हाँ, बकटोरवा में चाहते हैं। आपका नाम रामा देवी? अभी अभी बताया था दादी, आपको गल्ला भी कहाँ मिल रहा है? अरे बहुत मिलता ना चल पाए थे। कई महीने नहीं मिला गल्ला? अरे मिला का सर 5 किलो हमारा धरवे महीना ही बनवान हूँ राशन कार्ड। तो आप बख्तरबाब चाहते हो गल्ला मिले? सबका। आप कहाँ से आपका ले जायपुर से? अरे जायपुर तो है अब आवाज था गिलौली मिला था। अच्छा, दूर है? दूर है। के संबंध में एक खुली बैठक थी जिसमें हम लोग हमारे तकरीबन हमारे गांव के लगभग 1000 लोग इकट्ठा हुए और जो अधिकारीगण पहुंचे ब्लॉक के एडीओ पंचायत एडीओ आईएसपी और हमारे जो एडीओ पंचायत हैं घनश्याम पांडे जी और एडीओ आईएसपी हमें उनका नाम नहीं पता है और जो हमारे सचिव हैं उनका नाम है राजेश, ये सब मौजूद हुए। हम लोग बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा आवेदन दीजिए, हम लोग अंदर आवेदन दे दिए, उसके बाद गेट बंद कर दिया गया और 1 घंटे तक गेट बंद रखा गया। उसके बाद में हम लोगों पर बुलाकर बता दिया गया कि ये फलाने हैं, इनका समूह वो कोई नया समूह है मुझे याद नहीं है, दुर्गा नाम से है वो समूह, उसको कर दिया गया क्योंकि 2014 का वो समूह था जो ख़त्म हो गया था, लेकिन ख़त्म होने के बाद भी पोर्टल में पड़ा रहता है। उसको 20 मई को उस समूह को पुनर्जीवित किया गया है जो सिस्टम के पोर्टल पे पड़ा हुआ है और इन्होंने गलत ढंग से उसको मतलब मैंने डीएम साहब के यहाँ और विकास भवन में भी इसकी मतलब मैंने एक एप्लीकेशन दी हुई है जिसकी प्रति मेरे पास है, मैंने वहाँ पर दिया हुआ है कि कुरुचित तरीके से समूह को जो नया बनाया गया है उसको करने की साजिश हो रही है जो आज कर दी गई, हमने इसे पूर्व में ही दे दिया है सूचना। आपका समूह कब से है? हमारा समूह 2019 से है जिसमें 10 महिलाएं हैं और 19 से लगातार चल रहा है और ये सिर्फ मनमानी किया गया है। जैसे नया समूह 20 ये पिछले 20 मई को उसको बनाया गया और लोगों को जोड़ के तुरंत तैयार किया गया और उसको हमको बताया गया कि आपका समूह पुराना नहीं था इसके बेस पर नहीं किया, क्योंकि मैंने गाइडलाइन पढ़ी है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो समूह 20 जुलाई 2020 से पहले के हैं वो सारे एलिजिबल हैं। मेरे समूह जो है वो 2019 के थे, हमारे समूह भी एलिजिबल था लेकिन उन्होंने कहा कि पुराना समूह, ऐसा कहीं मैंने पूरा मैंने पढ़ा है पूरे हर जगह मैंने पढ़ाई की, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो पुराने समूह के बेस पे करना है। अगर 2 समूह एलिजिबल है तो चुनाव कराना चाहिए था और 3 दिन पहले गाँव में डुबकी मुनादी कराई गई, किस लिए लोगों को बुलाया गया, यहाँ से लोग 4 किलोमीटर पैदल गए 1000 लोग लगभग और वहाँ पे मनमानी तरीके से अंदर बुला के कर दिया गया, लोगों को पूछा भी नहीं गया ना, अगर एलिजिबल थे तो चुनाव करा देना चाहिए था, लोगों को हाथ खड़ा कर देना चाहिए। जनता में काफ़ी रोष है और कोई ये नहीं चाह रहा है कि चुनाव मतलब ये जो हुआ है ये सही हुआ है, ये बहुत गलत तरीके से हुआ है। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले।